أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. यह आयत सूरह ज़ुमर की है। मैं इसका माना मतलब शान नज़ूल आखिर में बताऊँगा। आज आपने जो सूरतें तरावीह के अंदर समाअत फरमाई हैं उसमें साफ़ात, साद, ज़ुमर और उसके अलावा सूरह मोमिन का एक हिस्सा। क़ुरान शरीफ के अंदर इतने उलूम हैं कि इन सब को कोई एक आदमी समझ नहीं सकता। क़ुरान शरीफ की तफसीर ऐसी नहीं है कि आप बंद कमरों में बैठकर या कहीं इसको पूरी तफसीर लिख सकें, क्योंकि इसमें उलूम ही बहुत ज़्यादा, कम से कम 300 उलूम ही। इमाम राज़ी ने जिस तरह कहा कि अगर क़ुरान ना होता तो दुनिया 300 उलूम से महरूम होती। क्या क्या इल्म है ये मैं भी आपको नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये क़ुरान की तफसीर टीम वर्क है। जब तक सब लोग अपने अपने फ़न के, अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर जमा नहीं होंगे, क़ुरान शरीफ की तफसीर मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूँ आपको कि ऐसे ऐसे उलूम ही आज जो आयतें आपने पढ़ी हैं उसके अंदर भी ऐसी बातें आई हैं। मैं जब बात आएगी तो आपको बताऊँगा। तो आज जो सुना आपने ये दूसरी ताकरात है, यानी दूसरी शब कदर। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें साल के 355 दिनों में, अरबी साल के 355 दिन होते हैं, अंग्रेज़ी साल के 65 होते हैं, 310 दिन छोटा होता है, तो 355 दिनों में 5 रातें अल्लाह ताला की याद में गुजारने के लिए हुक्म दिया है। और आप जानते हैं कि हमारे मसाइल इतने हैं, मुश्किलात इतनी हैं, परेशानियाँ इतनी हैं कि हम एक रात में ये सारी बातें अल्लाह ताला के सामने रख नहीं सकते। तो इसलिए ये 5 रातें भी समझिए ना काफ़ी हैं। और फिर उसके बाद दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कभी ये ना सोचिए कि 21वीं जो रात गुजरी थी वो शायद ताक रात रही होगी। ऐसा अगर आप सोचेंगे या फिर ये सोचेंगे कि आइंदा 25, 27, 29 में कोई ताक रात होगी, तो ऐसा अगर सोचेंगे आप तो कमज़ोर पड़ जाएँगे, सुस्त पड़ जाएँगे। हर ताक रात ये समझ कर आप दुआ कीजिए कि यही शब कदर है। इस यकीन के साथ, इस ईमान के साथ आपको काम करना है। शक को शुबा ईमान के अंदर जगह नहीं। ईमान का माना खुद यकीन है, ईमान का माना यकीन है। इसमें ज़रा भी शक आएगा शायद शब कदर गुजर चुकी है, शायद आइंदा आएगी, आइंदा हम देख लेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। तो हर रात को ये समझ कर कीजिए, आपके यकीन और ईमान पर हो सकता है अल्लाह ताला इसी रात को शब कदर बनाए, इसका बहुत ख्याल रखिए आप। हर चीज़ की ज़्यादती, कोई भी चीज़ हो अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, ख्वाहिश से ज़्यादा हो जाती है, तो वो नुकसानदेह होती है। इसको ऐसे समझिए आप कि कश्ती चलने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। पानी अगर नहीं होगा तो कश्ती चल नहीं सकती, उसको कोई जानवर खींच कर नहीं ले जा सकता, उसको मशीनों के ज़रिए नहीं चलाया जा सकता। कश्ती के लिए पानी ज़रूरी है। लेकिन यही पानी जो कश्ती के लिए ज़रूरी है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कश्ती के अंदर आएगा तो कश्ती गर्क हो जाएगी। इतनी साफ बात है, हर शख्स जानता है और समझता है। तो यही अल्लाह ताला फरमाता है कि हर शख्स को जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत के मुताबिक उसके हदूद और लिमिट में वो रहेगा तो वो सही रहेगा। और अगर वो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उससे ज़्यादा वह हिर्स करेगा, तमा करेगा और जमा करने की कोशिश करेगा, तो फिर वो भटक जाएगा। यही बात अखीर सूरत में भी बताई गई। अखीर पारे में अल्लाह को मुत्तकाफिर फरमाया गया कि तुम्हारी ज़िंदगी का एक मकसद था, उसको सोचते तुम और उस पर अमल करते, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते, लेकिन इसके बजाय तुमने क्या किया, वो मुझसे आगे है उससे आगे मुझे बढ़ना है, वो मुझसे आगे है उससे आगे मुझे बढ़ना है। तकासुर का माना यही है, हर शख्स से आगे बढ़ना है और हर शख्स को पीछे करना है। इस मकसद के साथ तुम ज़िंदगी बसर करते रहोगे तो तुम ज़िंदगी के असल मकसद को भूल जाओगे। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह को मुत्तकाफिर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम मौत आ जाएगी, कब्र में चले जाओगे और ज़िंदगी का मकसद कब्र में जाने के बाद याद आएगा। जो दुनिया तुमने कमाई वो दुनिया तुम्हारे साथ आएगी नहीं। जिस दुनिया कमाने के लिए तुमने अपने ज़िंदगी के मकसद को भुला दिया था वो दुनिया तुम्हारे साथ नहीं आएगी।
यहाँ एक हदीस सुन लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतबउल मय्यित सलासुन, फरमाया एक आदमी मरता है तो तीन चीज़ें उसके साथ चलती हैं, जहाँ से जनाजा उठता है कब्रिस्तान तक तीन चीज़ें जाती हैं उसके साथ, फरमाया यरजिउ इस्नान व यबका वाहिदुन, फरमाया तीन चीज़ें क्या क्या हैं आपने फरमाया, उसके घर वाले, और दूसरी बात आपने फरमाया वो जिस हैसियत का है, पोजीशन का है, उसकी पोजीशन भी साथ चलती है उसके साथ, यानी उसके नौकर चाकर चाहने वाले मोहब्बत करने वाले उतनी गाड़ियाँ ये सब, और तीसरी चीज़ उसका अमल। तो फरमाया आपने एक बहुत धूमधाम से जनाजा निकलता है बड़े आदमी का, इतने सारे लोग उसके साथ होते हैं, जब मैयत को कब्र के अंदर रख दिया जाता है यरजिउ इस्नान, तो तमाम लोग जो उसके जनाजे में आए थे वो भी वापस चले जाते हैं, और उसके घर के लोग, उसके बीवी, उसकी बीवी तो नहीं, उसके बच्चे भाई वगैरह ये भी वापस चले जाते हैं। यबका वाहिदुन, सिर्फ एक चीज़ बाकी रहती है और वो उसका अमल है, वही कब्र में उसके साथ जाएगा और कोई चीज़ नहीं जाएगी। तो ये ज़िंदगी का मकसद है, ये याद रखना है हमें कि हमें एक लंबा सफ़र है हमारे सामने, कब्र की मंजिल, वहाँ कौन सी चीज़ काम आएगी, कौन सी चीज़ की वजह से हमें रोशनी मिलेगी, ये आदमी को याद रखना चाहिए। तो अल्लाह को मुत्तकाफिर में अल्लाह ताला ये फरमाया कि तुमने ज़िंदगी के मकसद को भुला दिया, ये एक दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश में एक दूसरे से। उसके बाद एक मज़मून बार बार कुरान शरीफ में आता है, कितनी अहमियत है, देखिए दोस्त की अहमियत है। ये मत समझिए कि लड़कों के ही दोस्त होते हैं, लड़कियों की भी सहेलियाँ होती हैं, बनाने में और बिगाड़ने में इनका बड़ा हाथ होता है। कई सूरतों में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह साफ़ात के अंदर भी, इससे पहले मैं आपको सूरह फुरक़ान में भी बताया हूँ कि जो लोग गलत दोस्तों के साथ रहेंगे भटक जाएंगे, ज़िंदगी का मकसद भूल जाएंगे, वह क़यामत के रोज़ सर पकड़ कर रोएंगे, या वैलता लैतनी लमत्तखिज़ फ़लानन ख़लीला, काश मैं उसे दोस्त न बनाया होता। ये सर पकड़ कर रोएगा आदमी कि उसे दोस्त नहीं बनाया होता मैं, तो आज मैं बच गया होता, जन्नत का मुस्तहिक बन गया होता, गुनाह को दोस्त बनाने की वजह से आज मेरा ये अंजाम हुआ। आज सूरह साफ़ात के मज़मून में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि सीधा साधा आदमी है, जन्नत में जाने के बाद वो लोगों से पूछता है, मेरा एक दोस्त था, बहुत पढ़ा लिखा था, बड़ा फ़लसफ़ी था, वो क़यामत का इनकार करता था, उसको तुमने देखा है तो तलाश करते हुए जाएंगे तो वह नज़र आएगा, जहन्नम के बीचा बीच नज़र आएगा। कुरान शरीफ के अल्फाज हैं ये, जहन्नम के बीच राहु फी सवाइल जहीम, जहन्नम के बीचा बीच वो नज़र आएगा। तो सीधा साधा शख्स कहेगा कि तुम बड़े इल्म वाले थे, तुम बड़े दानिश्वर थे, तुम्हारी बात अगर मैं मान लेता तो आज मैं भी तुम्हारे साथ आग के दरमियान में होता, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तो जगह जगह कुरान में कई सूरतों में अल्लाह ताला ये बताता है कि तुम किसे दोस्त बनाते हो, ये बहुत सोच लो। इसी तरह लड़कियों को हम कहेंगे कि वो किसे सहेलियाँ बनाती हैं, क्योंकि आज लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं, बहुत फैशन की होती हैं, सिनेमा की होती हैं, दूसरी हर किस्म की होती हैं, और आज सोसाइटी के अंदर जो ज़्यादातर बुराइयाँ आती हैं वैसी ही लड़कियों की वजह से बुराइयाँ आती हैं, और जो ये रेप वगैरह के वाक़ियात आप सुनते हैं ये उन्हीं लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है, जो बेपर्दगी के साथ, बला और सिगार के साथ, ज़ेब व ज़ीनत के साथ, और उरियानियत के साथ, बहुत कुछ इसके साथ, आज़ादी के साथ घूमती हैं, उन्हीं के साथ इस किस्म के वाक़ियात पेश आते हैं। फिर एक आयत ये भी बार बार कुरान शरीफ में आपने सुनी है और मैंने भी बताया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी कौम का सलूक, जब तक आप नबी नहीं थे कौम ने आपको बहुत इज्जत दी, बहुत अच्छे नाम दिए, आपको सादिक कहा, अमीन कहा, हकम कहा, ये सब, लेकिन जब आपने अल्लाह एक है कहा तो उन्होंने सारे बुरे नाम आपको दिए। अब सूरह साद ने कहता है अल्लाह ताला, उन्होंने यहाँ तक आपसे कहा साहिरुन कज़्ज़ाब, कहा जादूगर है और सबसे बड़ा झूठा है, कहा मामूली झूठा भी नहीं, कज़्ज़ाब, बहुत बड़ा झूठा है, कहा, जबकि वो लोग आपको सबसे सच्चा मानते थे, क्योंकि आपकी ज़बान मुबारक से उन्होंने नबूवत से पहले भी कोई झूठी बात और गलत बात सुनी नहीं थी, इसलिए सब लोग वो आपको सादिक कहते थे, अमीन कहते थे, लेकिन जब आपने अल्लाह एक है कहा तो उन्होंने आपको साहिरुन कज़्ज़ाब कहा, और क्या क्या कहा, शायर कहा, दीवाना कहा, बहुत ऐसी सब बातें, हालाँकि आप उनकी कामयाबी चाहते थे, उनकी रहनुमाई करना चाहते थे, उनकी नजात चाहते थे। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप मुखालफत भी करते हैं तो शुक्रिया तो अदा करना चाहिए, या नहीं तो अच्छे अल्फाज में उनको याद करना चाहिए, लेकिन ये लोग कैसे अल्फाज के साथ याद करते हैं, इसका दुख होता था।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका दुख होता था। तो कुरान की बहुत सी आयतों में अल्लाह ताला फरमाता है फ़ला यहज़ुन का कौलुहुम, सूरह यासीन के अंदर भी फरमाया फ़ला यहज़ुन का कौलुहुम, ये लोग आपके बारे में जो कहते हैं, जो रिमार्क कसते हैं, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला सब चीज़ों को नोट कर रहा है, ये चीज़ उनके लिए कितनी नुकसानदेह साबित होगी ये उनको कल पता चलेगा। अगर आपको कोई झूठा कहता है और आपको कोई झूठलाता है और आपकी शान में कोई गुस्ताखी करता है तो आप उसके मामले को हमारे हवाले कर दीजिए, ये फरमाया आपने। फिर सूरह साद, सूरह साद में अल्लाह ताला हमी से एक सवाल करता है, इसका जवाब हम सबको देना है या गैर मुस्लिमों को भी इसका जवाब देना है। पूछता है अल्लाह ताला अम नजअलुल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात कल मुफ्सिदीन फिल फुजूर। आप जवाब दो इसका कि दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक वो हैं जो नेक हैं, अच्छे काम करते हैं, सच बोलते हैं, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे का हक अदा करते हैं, ये एक जमात है। और दूसरी एक जमात है जो ऐसी कोई बात उनके अंदर नहीं है, ऐसी कोई ख़ूबी नहीं है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा बदअमालियाँ हैं, उनके अंदर अकीदे की ख़राबी है और वो एक दूसरे का हक मारते हैं, झूठ बोलते हैं, जिना करते हैं, शराब पीते हैं और क्या कुछ बुराइयाँ इस दुनिया के अंदर हैं वो सब करते हैं। ये दो जमातें हैं इस दुनिया के अंदर हैं, हर बस्ती में, हमारे शहर के अंदर भी होंगे, हमारी गलियों के अंदर भी हम ये दो जमातों को देखते हैं। तो अल्लाह ताला इन दोनों का तज़किरा करके पूछता है कि क्या हम ये दोनों के साथ एक ही मामला करेंगे, तुम बताओ क़यामत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सवाल है अल्लाह ताला का। क्योंकि इनका बदला कब मिलेगा जो इस दुनिया के अंदर हलाल और हराम की तमीज़ करके बहुत सी चीज़ों से बचता था, बहुत से नुकसानात से बचता था, और जो आदमी अंधा बनकर हर काम और हर जुर्म का इर्तिकाब करता था, अगर ये दोनों का एक ही अंजाम होगा तो इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। क्योंकि ये बात तो आप सुन चुके हैं, हम भी बार बार आपके सामने बताते हैं, दुनिया की कोई अदालत सही फ़ैसला नहीं कर सकती। हम देखते हैं यहाँ जो कातिल होते हैं, चोर होते हैं, डाकू होते हैं, वो बच जाते हैं अदालतों के अंदर, जो बेगुनाह होते हैं, जिनके अंदर कोई गलती नहीं होती, नेक होते हैं, वो फंस जाते हैं, पूरी ज़िंदगियाँ उनकी जेलों के अंदर कटती हैं। तो इसलिए क़यामत की ज़रूरत है, अल्लाह ताला फरमाता है कि वहीं फ़ैसला होगा कि किसने क्या किया और उसको कैसे बेनकाब करना चाहिए, बताना चाहिए। क्योंकि दुनिया में ये चोर डाकू ऐसे लोग भी इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर करते रहे हैं, तो दुनिया उनको बताया जाएगा क़यामत के रोज़ ये किस लायक हैं, ये कैसे हैं। ये फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा कि कुरान शरीफ़ एक की तफसीर एक टीम वर्क है, कहा सिर्फ इसलिए मैंने एक बात बताई कि सूरह ज़ुमर में एक आयत आती है, फरमाता है अल्लाह ताला यखलुकुकुम फ़ी बुतून उम्महातिकुम खल्कम मिन बाद खल्किन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, फरमाता है अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है कि तुम्हारी माओं के पेट के अंदर तीन दौर से तुम्हारी पैदाइश के सिलसिले को जारी रखता है। तीन दौर फ़ी बुतून खल्कम मिन बाद खल्किन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, तीन अंधेरों के अंदर अल्लाह ताला तीन मरहलों से उनको गुजारता है। ये बात पहले किसी के समझ में नहीं आती थी कि तीन मरहले कौन से हैं, ये तीन अंधेरे कौन से हैं, ये समझ में नहीं आती थी। समझिए आज से 60 साल पहले समझ में नहीं आती थी दुनिया वालों की, पढ़ते थे, तर्जमा करते थे, मतलब बताते थे, लेकिन इसकी हकीकत क्या है। तो एक बड़ा डॉक्टर था फ्रांस का, उसने इस आयत को उसकी लंबी तफसील है, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, उसने ये आयत पढ़ी। कुरान शरीफ पढ़ने का मशवरा उसे मलिक फैसल ने दिया था। मलिक फैसल बीमार की हैसियत से उसके पास गए थे, तो डॉक्टर से उन्होंने बात किया, ये ख़ूबी देखिए, हमारे दिल में भी एक सवाल आता है कि हिंदुस्तान में पैगंबर क्यों नहीं आए, हिंदुस्तान के लोगों में दावत का वो शौक़ नहीं है जो अरबों के अंदर दावत का शौक़ है। अब मलिक फैसल बीमार हैं, डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए गए हैं, तो डॉक्टर से ये सवाल करते हैं, डॉक्टर क्या आपने कुरान पढ़ा है, तो उसने कहा हाँ पढ़ा हूँ। पूछा क्या आप अरबी जानते हैं, उसने कहा अरबी नहीं, मैंने फ्रांसीसी में कुरान पढ़ा है। तो मलिक ने कहा आप अरबी में कुरान पढ़िए, मशवरा दिया। अच्छा डॉक्टर था, संजीदा डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर, दुनिया के बड़े डॉक्टरों में था, उसने अरबी सीखी बहुत जल्दी, जीनियस था, जल्दी सीख ली और उसके बाद उसने कुरान पढ़ा। तो ये आयत पर पहुँचा, वो यखलुकुकुम फ़ी बुतून उम्महातिकुम खल्कम मिन बाद खल्किन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, अल्लाह ताला तुम्हारी माओं के पेट के अंदर तीन अंधेरों में तुम्हारे तीन मरहलों में तख्लीक करता है। तो हैरान हो गया, वो बोला ये तो 20वीं सदी का नज़रिया है, ये
छठी सदी में ये चीज़ कैसे आई, सातवीं सदी में ये चीज़ कैसे आई, हो ना हो ये अल्लाह ताला का कलाम। ईमान लाया और उसने अपने इस्लाम का ऐलान किया और तौरात और इंजील के ख़िलाफ़ किताब लिखी उसने। ये किताबें अल्लाह की नहीं हैं, सिर्फ़ कुरान अल्लाह ताला की किताब है। उस पर मुकदमा चला फ्रांस की हुकूमत में, एक लंबा वाक़िया है। तो देखिए ऐसी सब बातें हम 1400 साल से पढ़ रहे हैं कुरान, लेकिन ऐसी बातें हम नहीं बता सके। ऐसी बहुत सी बातें हैं, मैं इशारा करता हूँ आपके सामने। कुरान शरीफ़ में पढ़ते हुए आप देखिए, हर जगह जब जहाँ कान और आँख का ज़िक्र आता है तो पहले कान का ज़िक्र आता है, उसके बाद आँख का ज़िक्र आता है। हमेशा जहाँ भी देखेंगे आप, शुरू से पहली ही आयत में देख लीजिए, ख़त्म अल्लाह अला कुलूबिहिम अला समिहिम अला अबसारिहिम, तो पहले कान और उसके बाद आँख। तो इसकी क्या हिकमत है, पहले कान उसके बाद आँख? तो आज साइंस ने ये बात बताई, मेडिकल साइंस ने ये बात बताई कि माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो 24 हफ्ते के बाद उसके कान सुनने लगते, 28 हफ्तों के बाद उसकी आँख देखने लगती। तो इसलिए अल्लाह ताला पहले कान का ज़िक्र फरमाता है, उसके बाद आँख का ज़िक्र फरमाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, तफसील में जाने का यह मौका नहीं है। सूरह ज़ुमर की पहली आयत, शुरू की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस फरमाता है। नाम के मुसलमान बनने से कोई फ़ायदा नहीं। आज हमको यही शिकायत है, अल्लाह से शिकायत है, हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत है कि अल्लाह ने इतने वादे किए मुसलमानों को, हम ये देंगे ये देंगे ये देंगे। आज हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला से मांगते हैं, रमज़ान में मांगते हैं, शब कदर में मांगते हैं, और दुआ की कबूलियत के जो अवकात हैं इनमें सब हम मांगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारी दुआ सुनता नहीं है। तो ये वादे कैसे हैं, ये सवाल आदमी के जहन में आता है अगर ज़बान पर ना भी आए। तो यहाँ अल्लाह ताला इसका जवाब देता है, खालिस दीन होना चाहिए, सिर्फ ज़बानी दीन नहीं होना चाहिए, खालिस। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। इखलास के साथ हर काम, छोटी नेकी भी अगर आप इखलास के साथ करेंगे, अल्लाह ताला के पास उसका एक वज़न है। और अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए या अपनी तबीयत को मुतमईन करने के लिए बड़े से बड़ा काम भी करेंगे, उसका कोई मकाम नहीं है। और आपको मालूम है कि खालिस और मिलावट का फ़र्क क्या है, आप जानते हैं। जो भी बात कही जाती है, दूध में यह फ़ायदा है, घी में यह फ़ायदा है, शहद में यह फ़ायदा है, तो सभी लोग जानते हैं कि अगर वह असली होगा तो उसका फ़ायदा होगा, अगर वह मिलावट है, जाली है, नकली है, तो हरगिज़ दूध में दूध का फ़ायदा नहीं होगा, घी में घी का नहीं होगा, और शहद में शहद का नहीं होगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है, तुम सही मायने में असली मोमिन बन जाओ, खालिस, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, तुम ऐसे बन जाओ, फिर देखो तुम्हारे दीन का कितना फ़ायदा होता है और तुम्हारी दुआओं में कितनी तासीर होती है। तो हम देखते हैं मुसलमानों में कुछ लोगों की दुआएं कबूल होती हैं, कुछ लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो फ़र्क यही है कि खालिस दीन अल्लाह ताला को मतलूब है, यही मकसूद है। तो उसके बाद मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी, ये सूरह ज़ुमर ही की आयत है। ज़ुमर का माना है जमात दर जमात, यानी बहुत एक बड़ा हुजूम, हुजूम। तो अल्लाह ताला फरमाता है, जन्नत में जाने वालों का भी एक हुजूम होगा, जहन्नम में जाने वालों का भी एक हुजूम होगा। यह आखिर रुकू के अंदर है, वसीक़ الذين كفروا الى جهنم زمرا। तो उसमें एक आयत है, قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله। इस्लाम की जितनी मुखालफत कर सकते थे, दुश्मनी कर सकते थे, कुफार ने की, उसके बाद उनको समझ में आया, ज़माने के बाद समझ में आया कि इस्लाम की तालीम सच्ची है, सही है, और इसी पर अमल करके हम दुनिया में भी सुरखरू हो सकते हैं और दूसरी दुनिया में भी हम कामयाब हो सकते हैं। ये उनकी समझ में ये बात आई। लेकिन वो लोग बड़े मुजरिम थे, पापी थे, हर किस्म का गुनाह उन्होंने किया हुआ था। वो जानी थे, शराबी थे, कातिल थे, क्या क्या जितने भी आप जरायम के बताएंगे, सारे जरायम का इर्तिकाब उन्होंने किया था। अब इस्लाम उनको समझ में आ गया, वो इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश करते हैं, जज्बा पैदा होता है, लेकिन रुकावट यही है कि हमने इतने गुनाह किए हैं, गिन नहीं सकते, इतने गुनाह हमने किए हैं, तो क्या अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाएगा? ऐसा सवाल उनके जहनों में आया। क्या क्या गुनाह थे आप अंदाज़ा कर ले सकते हैं। मैं एक गुनाह, यह हदीस जो है बुखारी की है, लेकिन सीरत की किताब में एक वाक़िया लिखा हुआ है, देखिए कैसा इबरतनाक है कि जब ये आयत नाजी, एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल सल्लम की खिदमत में, उन्होंने कहा कि मुझे इस्लाम पसंद आया, मैं इस्लाम को समझता हूँ और मैं कबूल भी करना चाहता हूँ, लेकिन क्या अल्लाह ताला मेरी उस गलती को माफ़ फरमाएगा? क्या गलती, पूछा अल्लाह के रसूल।
उन्होंने कहा मेरी बीवी हामिला थी, मैं सफ़र पर जा रहा था, मैंने बीवी से कहा, वो ज़माने जाहिलियत की आदत के मुताबिक कि जब बच्ची हो तो उसे गड़ा खोद के दफना दो, बच्चा हो तो उसकी परवरिश करो, मैं सफ़र पे चला गया। उसके यहाँ लड़की ही पैदा हुई, बड़ी खूबसूरत थी, कहते हैं चाँद की तरह खूबसूरत थी कहते हैं, तो उसकी बीवी का जी नहीं चाहा कि इस बच्ची को दफना दें, तो उसने किसी तरह अपनी बहन के घर में उसकी परवरिश का इंतज़ाम किया। शौहर जब वापस आया, पूछा, उसने कहा लड़की हुई, मैंने दफना दिया काम। बाद में वो लड़की अपने खाला के घर में पलती रही, बढ़ती रही, यहाँ तक कि काफ़ी बड़ी हो गई, सियानी हो गई। एक दिन इसकी नज़र पड़ी और बीवी ने यह समझा कि अब इतनी बड़ी बच्ची होने के बाद ये इसे सज़ा नहीं देगा, तो इसने पूछा ये कौन बच्ची है, कहा यही हमारी बच्ची है जो आपके सफ़र पर जाने के बाद पैदा। फिर वो अपनी आदत और फितरत से मजबूर उस बच्ची को पकड़ के ले गया, आबादी से दूर ले गया और वहाँ गड़ा खोदने लगा। बच्ची की समझ में नहीं आता ये क्यों खोद रहा है, पसीने पसीने होता है, वो बच्ची अपने दुपट्टे से इसका पसीना पोंछती, उसकी समझ में नहीं आता। जब वो गड़ा काफ़ी गहरा हो गया तो उसने उस बच्ची को पकड़ा और उसके पैर और हाथों को करके अंदर डाल के मिट्टी डाल दी, कहा मैंने ये गलती की है कि अल्लाह ताला मैं इस्लाम लाऊंगा तो इस गलती को भी माफ़ फरमाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने जवाब नहीं दिया, तो उसने सर उठा के देखा तो आपकी आंखों से आंसू रवा, आप ये वाकया सुनकर रोने लगे आप। फिर उसके बाद ऐसे वाकयात बहुत सारे, तो बुखारी के अद्दे हदीस है कि लोग आए, उन्होंने अपने जरायम का एतराफ़ किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो हम क्या करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लम खामोश थे उनके जरायम को सुनकर, तो यह आयत नाजिल हुई, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम। अल्लाह ताला की महब्बत देखिए, अल्लाह ताला का प्यार देखिए, फरमाता है अय मेरे बंदों, कहता है उन लोगों को जिनके पास गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त है, उनसे कहता है अय मेरे बंदों, मेरे बंदों, सिर्फ बंदे नहीं, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम, अय मेरे बंदों जिन्होंने अपने नफ्सों पर बहुत जुल्म किया है, बहुत जुर्म किया, बहुत खयानत की और बहुत कुछ किया, ला तख़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, जो शख्स भी अल्लाह ताला की तरफ लौट कर आता है सच्चे दिल के साथ और सिद्क़ दिल से, वो तौबा करता है कि जो गुनाह उसने किया उस पर उसे शर्मिंदगी है, और वह इकरार करता है, वादा करता है कि आइंदा इस जुर्म का वह इर्तिकाब नहीं करेगा, तो जो भी ऐसा आता है अल्लाह ताला उसे माफ़ी का ऐलान आम करता है, फरमाता है सुना दीजिए आप, ला तख़नतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ करता है, क्योंकि अगर अल्लाह ताला माफ़ ना करे उसके बंदों को तो उसके बंदों को माफ़ी कौन दे। यह आयत मैंने पढ़ के अपना सबक शुरू किया था, दर्स शुरू किया था, तो देखिए कैसी आयत है, तो आज हम सबको भी एतराफ़ है, हमारे पास ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी बड़ी, लेकिन छोटी गलतियाँ हमारे अंदर होती हैं, इसकी वजह से भी हम मायूस होते हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला हमारे साथ क्या मामला फरमाएगा, कैसा होगा। लेकिन इस आयत को सुनने के बाद, जिन हालात में यह आयत नाजिल हुई, जिन लोगों पर नाजिल हुई, हम सब का ईमान मज़बूत होना चाहिए और अपनी हर गलती को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करके माफ़ी तलब करना चाहिए, और जब तक हमारी ज़िंदगी में इस्लाह नहीं होगी और हमें सही हिदायत नहीं मिलेगी और ये अल्लाह ताला की तरफ लौटने की कैफियत जिसे इनाबत इल्लाह कहा जाता है, ये सब बातें नहीं पैदा होंगी, हम अपनी बात मनवा नहीं सकते और हमारी ज़िंदगियों में वो रोशनी नहीं हासिल कर सकते जो अल्लाह ताला चाहता है और जिसके लिए ये मुबारक रातें लाता है, ये मुबारक महीना लाता है और हमें दावत देता है, बुलाता है बार बार। हम किस कदर गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कितना मेहरबान है कि वो मग़फ़िरत का पूरा सामान करके हमें बुलाता है कि तुम कुछ भी करो अल्लाह ताला की तरफ लौट कर आ जाओ, शर्त यह है तौबतन नसूहा। तौबतन नसूहा का माना यही है कि आदमी गुज़श्ता गलतियों पर शर्मिंदा हो और ये वादा करे कि आइंदा कभी वो इन गलतियों को दोहराएगा नहीं, तो ऐसे बंदों को अल्लाह ताला माफ़ी का ऐलान करता है। इस ऐलान को जानकर हम सबको अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए करीब होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो भी छोटी बड़ी नेकी हमसे होती है अल्लाह ताला उसे शर्फ़ कबूल अता फ़रमाए, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, हमारी मुश्किलों को आसान फरमाए,
हमारे बीमारों को सेहत आजिला और शिफाए कामिला नसीब फरमाए, और हमारे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस और आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमाए। ज़मीन की हर आफत और आसमान की हर बला से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, और हमारी खोई हुई इज्जत अज़मत हुकूमत ये सब अल्लाह ताला हमें वापस दिलाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين।